पानीदिहिंग पक्षी अभयारण्य शिवसागर जिले असम में स्थित एक 34 वर्ग किलोमीटर में फैला पक्षी अभयारण्य है। यह शिवसागर शहर से 22 किलोमीटर दूर है। यह संरक्षित क्षेत्र असम सरकार द्वारा अगस्त 1996 में एक पक्षी अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। 1980 के दशक के अंत में इसकी पहचान एक संभावित पक्षी अभयारण्य के रूप में की गई। 1987 से 1988 में प्रख्यात संरक्षणवादी डॉक्टर अनवरुद्दीन चौधरी द्वारा क्षेत्र में पहला व्यवस्थित पक्षी विज्ञान सर्वेक्षण किया गया था। पानीदिहिंग घास के मैदान और आंध्रभूमि का एक परिसर है। चैनल या बिल सहित कुछ आंध्रभूमि में पानीदिहिंग और आसपास के क्षेत्र वैश्विक मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र है। अभयारण्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में ब्रह्मपुत्र और दिसांग नदी से घिरा है। पानीदिहिंग में प्रवासी पक्षियों की 70 प्रजातियों सहित पक्षियों की 267 प्रजातियों की पहचान दर्ज की गई है।